सभी देशवासियों को नमस्कार। जैसा कि खिलाड़ियों के बारे में जो अफवाह जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं उसके खंडन के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापिस लिया है। हम सभी एक साथ है और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने और एक न्यूज एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई ट्वीट करके कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाह है। उन्होंने वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिए। तो आप ऐसी चीजों से सावधान रहे, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापिस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। नमस्कार।